आगरा में श्रम विभाग की ओर से बीडी जैन कॉलेज के मैदान में आयोजित हित लाभ वितरण एवं मिशन शक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। उन्होंने लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आवासीय स्कूलों में मजदूरों के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। इनके लिए 18 मंडल में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। योजना को स्वीकृति मिल गई है। सरकारी अस्पतालों में श्रमिकों का गंभीर रोगों का उपचार भी निःशुल्क होगा। किसान आंदोलन पर सवाल किए जाने के बाद श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान हमेशा सरकार के साथ है, सरकार भी किसान के साथ है, चाहे रबी खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या फिर गन्ने का भुगतान। कृषि बिल को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, लेकिन किसान भी समझ चुके हैं। इसलिए किसानों ने भी कह दिया है कि राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से सरकार से वार्ता करें, निष्कर्ष निकालें, हमारे आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी सम्मिलित ना हो। अगर किसानों को कृषि कानून के किसी भी हिस्से से आपत्ति है तो उसको लेकर सरकार से वार्ता चल रही है। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। 230 निर्माण श्रमिकों की बेटियों को साइकिल दी जा रही है और इसके अलावा हमारे पास फॉर्म इससे कुछ ज़्यादा आए हैं, लेकिन साइकिल उपलब्ध नहीं हो पाई है। जितनी उपलब्ध है वो आज बंटवा दे रहे हैं, रेस्ट हम फिर बाद में बंटवाएंगे। क्या क्या लाभ मिलता है? आपने जैसा देखा कि चिकित्सा योजना में आगरा के 3000 श्रमिकों को लाभ दिया गया है। इसके अलावा पुत्री विवाह के 313 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। मृत्यु विकलांगता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। हम लोग जो मुकदमे सुनते हैं श्रम अधिनियमों के अंतर्गत, उसके लगभग 23 लाभार्थियों को 60 लाख रुपए का लाभ दिया गया है। इस प्रकार से विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। आगे कितनी और योजनाएं आने वाली हैं जिनसे इस श्रमिकों को लाभ मिलेगा? जो योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं उसमें हम लोग पूरा लाभ दे रहे हैं और जो आएंगी उनमें और भी लाभ देंगे। ये हमारा जो श्रम विभाग द्वारा विभिन्न BOC बोर्ड के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे निर्माण श्रमिकों के लिए, उनका पंजीयन किया जा रहा है, नवीनीकरण किया जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ऐसे श्रमिकों के हितला वितरण का किया गया था। आज माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा उनके कर कमलों से हितला वितरण कराया गया है। इसका एक उद्देश्य है कि इससे एक आम जो अलग और लोग हैं जिन्होंने अपना पंजीयन नहीं कराया अभी तक, उनको भी एक जागरूकता होगी, वो लोग भी अपना पंजीयन कराएं और बोर्ड द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं विभिन्न प्रकार की, उनके लिए वो अपना लाभान्वित लें, अपना लाभ ग्रहण करें। और जैसे साइकिल सहायता योजना है, संतराविदा शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत जिसमें पुत्र पुत्री उन दोनों को साइकिल दी जा रही है, वो अपना अगर कोई बच्चा है तो वो भी अपना आवेदन कर लें। और किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध चल रहा है, तो आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? कैसे हल निकलेगा? ऐसा है, ज्ञापन देना है। अच्छा अच्छा, संघ का संगठन किसान सदैव भारतीय जनता पार्टी साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के साथ। अभी तक किसानों के हित में अनेक नए फैसले लिए गए। किसान सम्मान निधि हो, समय समय पर रबी खरीफ और जायद की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना हो, क्रय केंद्रों के माध्यम से उनकी उपज को खरीदना हो, गन्ना किसानों का तत्काल समय पर पैसा भुगतान कर उसका निस्तारण हो, ये सारे के सारे कार्य किए जा रहे हैं। और उसी को देखते हुए किसानों के हित में किसान बिल भी लाया गया है। यदि किसी उसके किसी हिस्से पर हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार का एतराज़ है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनसे भी मिलजुल करके उस समस्या का हल करेगा। लगातार वार्ता चल रही है, किसान संतुष्ट हैं। किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कुछ विरोधी पार्टियां जरूर सिरपटक रही हैं, लेकिन किसानों ने उनको भी खारिज कर दिया कि कोई विरोधी पार्टी हमारे किसान आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकता है, वो अपने बलबूते पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करके मामला को हल करेंगे। जी मंत्री जी, संक्षेप में अटल योजना के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। संक्षेप में बड़ी योजना है अटल विद्यालय योजना के बारे में। अरे जी भाई जी, अटल योजना, अटल आवासीय योजना में मंत्री ये देख के, अटल आवासीय योजना में प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय बनेगा जी, जिसमें श्रमिक के बच्चे, बेटी हो या बेटा,
या ऐसे बच्चे जो अनाथ है यानी जिनके माता पिता दोनों नहीं है जी, ऐसे बच्चों का दाखिला होगा और एक विद्यालय में 1000 बच्चों की पढ़ने की क्षमता होगी। उनको निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क किताब कापी, निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क पठन पाठन, निःशुल्क ड्रेस के साथ साथ उनको निःशुल्क खेलकूद का सुविधा का मैदान, ये सभी विद्यालय की स्वीकृति हो चुकी है। 12 एकड़ से लेकर के 15 एकड़ तक प्रत्येक विद्यालय के लिए जमीन आवंटित हो गई है, सुरक्षित कर ली गई है, यहाँ तक कि पैसा भी अवमुक्त हो गया है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है, लोक निर्माण विभाग जल्दी ही इसका टेंडर निकालने जा रहा है जिससे कि निर्माण कार्य शुरू हो और कोशिश है कि 2021 के अंत तक हम इस विद्यालय को चालू कर सकते हैं।